लीडर्स थे, हम लोग छुट्टियों में गोवा जा रहे थे, लेकिन ओशन के बीच में हमारा प्लेन क्रैश हो गया और हम लोग बीच समुद्र में फंस चुके हैं। अरे यहाँ पे तो एक राफ्ट है, जल्दी इस पे चढ़ जाओ। तेरे भैया आप बोट चलाइए। अरे देखो दोस्तों पीछे एक आइलैंड है। अरे तो तेरे भैया मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी वहाँ ले चलो। बस हमें उस आइलैंड पे कोई डायनासोर न मिल जाए। थोड़ा तेज चलाओ ना। चलो आइलैंड पे चलते हैं। अरे दोस्तों हमें इस आइलैंड पे जल्दी से घर बनाना होगा क्योंकि रात में यहाँ पे जानवर भी आते हैं। माय गॉड यहाँ तो पहले से ही घर है। अरे घर के अलावा भी बहुत सारी चीजें करनी है ताकि हम इस आइलैंड पे सर्वाइव कर पाए। यहाँ तो बहुत प्यारा बेड रखा है छोटा सा। अरे मुझे कोई बचाओ। अरे टैरो भैया कहाँ गए मेरे टैरो भैया? माय गॉड यहाँ पर तो शार्क है। अरे टैरो भैया जल्दी आइए वरना अकेले मर जाएंगे। अरे नीचे कहाँ कूद गए? अरे तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख के रहे, मुझे बचाओ। अरे खा ले टैरो भैया का, वो तो किसी काम का नहीं है। ये ले ये ले ये ले। अरे मम्मी आ। अच्छा टैरो भैया आप बच गए, मारो इसको। दोस्तों हम लोग को यहाँ पे पेड़ काटना पड़ेंगे ताकि हम लोग उससे वेपन्स बना पाए, उससे हम लोग एक तोप बनाएंगे और सबको मार डालेंगे। माय गॉड यहाँ पर तो खजाना है, इसमें तो 1 करोड़ रुपए है शायद। अरे ऊपर से कुछ आवाज आ रही, रुको देखते हैं। अरे वाह इधर पैर मारो उधर पैर मारो। अरे वाह मैं तो अच्छा डांस सीख रहा हूँ। क्या डांस? नीचे चल यहाँ क्या कर रहा, लकड़ी काट चल के। हाँ ठीक है बोल, लेकिन उधर क्या है? यहाँ पर तो एक शार्क एक आदमी के चक्कर लगा रही है। अरे जाने दो मरने दो उसको। भाई मुझे तो लग रहा है कि शायद वो शिज़ुका है। अरे क्या कहा शिज़ुका, जल्दी चलो जल्दी चलो उसको बचाने चलते हैं। पता नहीं मेरी शिज़ुका यहाँ कैसे फंस गई। चलो दोस्तों सामने एक राफ्ट निकालते हैं अपनी। आ जाओ टैरो भैया हमारे साथ। अरे अरे मैं क्या करने जाऊँ, मैं आइलैंड पे हूँ, तुम लोग जाओ। यहाँ अकेले में डांस सीखना है क्या? जल्दी चलो जल्दी चलो वरना वो शार्क शिज़ुका को मार डालेगी। शार्क नहीं हट हट हट, रुको मैं उतर जाता हूँ उसको दूर ले जाता हूँ, तुम लोग उसको बचाओ। अरे शिज़ुका जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ, तुम्हें बचाने आए, चढ़ जाओ चढ़ जाओ। हैं? अरे बेटा थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अरे नबिता का तो पॉपट आ गया। चलिए अंकल हम आपको अपने आइलैंड पे ले चलते हैं। अंकल हमने आपको बचाया है तो अब आपको हमारे आइलैंड के नौकर बनना होगा। अंकल जी आप हमारे आइलैंड को एकदम शहर की तरह बनाने में हेल्प करेंगे, आप हमारे नौकर हैं आज से। अंकल लकड़ी काटिए और फिर लकड़ी उठाइए और वहाँ रख दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला घर तो हमारा है, आप कहाँ रहेंगे, आपके लिए घर भी तो बनाना है। चलो अब अंकल जी का घर लगा भी देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। अंकल जी अभी तो सस्ता वाला घर है। अरे पर मुझे तो घर जाना है, हम कहाँ अच्छा खासा प्लेन से गोवा घूमने जा रहे थे, पता नहीं कहाँ बीच समुद्र में पटक गए। दोस्तों दो लोग अभी हमारे आइलैंड पे तैरते हुए हैं। अरे तो हमारे प्लेन के पायलट है। क्या अंकल जी प्लेन चलाना नहीं सीखा था क्या, पूरे जिंदगी खराब कर दी आपने मेरी। अरे वैसे छोटे छोटे अपने आइलैंड को और बड़ा कर लेते हैं। आपके छोटे से आइलैंड से टैरो भैया घर भी चुके हैं एक बार, और अभी हमें खाने का इंतजाम भी करना और इन सबके घर भी बनाने हैं। अब हमारा आइलैंड पहले से बड़ा हो चुका है। अरे दोस्तों मेरे पास मुझे कुछ मिला है। अरे तो टैरो भैया की आवाज़ें कहाँ है टैरो भैया? ये देखो मुझे ओशन के बीच में क्या मिला। अरे वाह ये तो टैरो भैया दो दो खजाने के डिब्बे लाए हैं। फिर जल्दी खोल के देखते हैं, इसमें तो खाने का सामान और लकड़ियाँ हैं। अरे टैरो भैया जल्दी सामने शिप है उसको रोको। अरे रुक जाओ हमारी हेल्प करो रुको, हमें बचाओ हम यहाँ फंसे हुए हैं। अरे उसने तो हमें बचाया ही नहीं, चली गई हमें छोड़ के। दोस्तों बाकी लोगों के लिए भी घर लगा देते हैं वरना वो लोग फिर पानी में कूद जाएंगे। अरे दोस्तों हमारे आइलैंड पे एक आदमी भूखा मर गया है। अरे और लोग भी ना मर जाए इसलिए हम जल्दी से यहाँ पे खेत लगा रहे हैं। मेरा पेट बहुत देर से दर्द हो रहा था, अब तो बर्गर पिज्जा पार्टी होगी। बर्गर पिज्जा की पार्टी नहीं, दाल चावल की पार्टी होगी क्योंकि इस खेत में दाल चावल ही उगता है। चलो यहाँ पर खेती करने के लिए एक वर्कर लगा देते हैं। देवान आ जाओ तुम खेती करना। चलिए आंटी जी अच्छे से काम करना, हम आपको एक दिन घर जरूर पहुँचाएंगे। अरे लेकिन दोस्तों नीचे कुछ लिखा है कि समवन इज कमिंग, कौन आ रहा है? शायद हमें कोई बचाने आ गया दोस्तों। बचाने नहीं आ रहा है, दो लोग और हमारे आइलैंड में आ रहे हैं। अरे तो तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि उनके पीछे लुटेरे पड़े और वो हमारे आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। चलो ये राफ्ट वाले लोगों को बचाते हैं और इन लुटेरों को सबक सिखाते हैं। हमने आपको बचा लिया है, इन लुटेरों को अब हम सबक सिखाएंगे। अरे लुटेरे तो हमारे आइलैंड में उतर गए, इनको मारो। ये देखो हमारे सामने, इसको मारो। चलो इसको मारते हैं, मारो मारो मारो। टैरो भैया आप भी आइए, और ये तुम गॉड इसके तो टुकड़े हो गए। देखो दोस्तों हम लोगों ने यहां पर एक वॉच टावर लगा दिया है और इस पे हमें चौकीदार को खड़ा कर देते हैं। और अगर अब हमारे आइलैंड पे कोई भी जानवर आया या कोई भी दुश्मन आया तो ये उनको पहले ही मार डालेगा। मार डालेगा नहीं मार डालेगी, क्योंकि वो एक लड़की है नोबिती। चलो दोस्तों अब हम लोग अपने आइलैंड पे 10-20 हजार लोग और ले आते हैं। मेरी सामने तो एक आदमी है, इसको ले लेते हैं। ए शार्क तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो इसे आइलैंड पे छोड़ देते हैं। दोस्तों नीचे बहुत मछलियाँ हो रही हैं और मुझे दाल चावल भी नहीं खाना है, तो चलो मछलियाँ पकड़ के खा लेते हैं। चलो फिर किसी को बुलाते हैं मछली पकड़ने के लिए। ए रामू इधर आ मछली पकड़ा के। ये रहा रामू, ये मछली पकड़ेगा यहाँ की। और अगर तुमने रात तक 10 हजार मछली नहीं पकड़ी तो फिर हम तुम्हें शार्क के मुँह में फेंक देंगे। चलो फिर काम पे लग जाओ जल्दी से, चलो शुरू करो। चलो अपने आइलैंड पे खाना बनाने वाले को रख लेते हैं। और खाना बनाएगा कौन, मसाओ बनाएगा क्या? मुझे आता तो है लेकिन मैं नहीं करूँगा, जब इतने सारे नौकर है तो मैं क्यों काम करूँ। तो मसाओ तो फिर तुम किसी को बुला लो खाना बनाने के लिए। ए जूली जूली इधर आओ खाना बनाओ। चलिए सबको बना बना के खाना खिलाओ। चलो अपना घर भी अपग्रेड कर लेते हैं, हम लोग कब तक रहेंगे इस घर में। अरे वाह ये घर तो राजा के महल जैसा लग रहा है। चलो देखते हैं शायद घर में कंप्यूटर भी आ गया हो। अरे ये तो एकदम वैसा ही है, सिर्फ घर का कलर बदला।
कुछ ही पैसे वेस्ट हो गए। अरे पागल, तुम्हारा खाना नहीं बना क्या? अभी तक जल्दी करो, खाने में जहर वहर मिला रहे हो क्या? जल्दी करो। अरे दोस्तों, मुझे लग रहा खाना बन गया, चलो जल्दी से टेबल चेयर लगाते हैं और उस पर सब लोग बैठ के खाना खाएंगे। अरे देखो टेबल लग गई, चलो जल्दी से बैठ के खाता हूँ यहाँ पे। अरे क्या सब लोग बैठ गए, मेरे तो जगह ही नहीं बची। चलो दोस्तों, छोटी सी बोट को बड़ी सी शिप में अपग्रेड कर देते हैं। ये कैसी बोट अपग्रेड हो गई? अरे यार सारे पैसे बर्बाद हो गए। चलो कम से कम पहले से तेज तो चल रही है, वरना इसको फेंकना पड़ता। अरे ये क्या, ये बोट तो सही से चल नहीं पा रही है, ये तो हिल रही है। क्या सारी सी बोट अपग्रेड कर दी? लगता है हमारा भार नहीं उठा पा रही है। अरे दोस्तों जल्दी, हमारे आइलैंड के नीचे देखो क्या है। क्या है ये? अरे यहाँ पे तो कोई खड़ा हुआ। मुझे तो लगता है ये कोई भूत वूत का चक्कर है। अरे तो फिर भागो यहाँ से। देखो हम लोगों ने यहाँ पे कितनी सारी झोपड़ियाँ लगा दी है। लेकिन दोस्तों ये झोपड़ी बहुत बेकार लग रही है मुझे, इसको थोड़ा अपग्रेड करते हैं। अरे घर तो बहुत अच्छा है, चलो एक और अपग्रेड करके देखते हैं क्या बनता है। अरे वाह ये भी अच्छा है। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर कितने सारे घर लगा दिए हैं। घर तो बदल गए लेकिन आपकी आवाज क्यों इतनी बदली सी लग रही है? क्योंकि कल रात में मैं एक शादी में गया था और उसमें मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खा ली। अरे दोस्तों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी हमें अपने आइलैंड पे स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, बहुत कुछ बनाना है। ऊपर से क्या आ रहा है? अरे यहाँ तो खतरनाक बादल है, लगता है यहाँ तूफान आने वाला है। अरे जल्दी सब लोग अपने घरों में जाओ, जल्दी जाओ, सब लोग अपनी जान बचाओ, भागो। अरे बाप रे यहाँ तो बारिश शुरू हो गई, कहीं हमारा आइलैंड बह न जाए। चलो अपने आइलैंड पे थोड़े एनिमल्स भी लाते हैं। अरे तो मैं लगाता हूँ ना यहाँ पे, मैं लगाऊंगा प्यारी प्यारी शीप, भेड़। इसके पहले से हम लोग बहुत कुछ बना भी सकते हैं। और भूख लगे तो हम इसको मार के भी खा सकते हैं। अरे खाना आना नहीं है, हमें इनका ख्याल रखना है। टायरो भैया आप इनको संभालिए। अरे मुझे ये सब कहाँ आता है, किसी वर्कर को बुला लो। चलो ईवी को बुलाते हैं, ईवी आओ, उसका ख्याल रखो के। इन प्यारी शीप्स का ख्याल रखना, इनके बालों से हम कपड़े बनाएंगे। दोस्तों लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, खाने की कमी पड़ रही है, जल्दी से एक और खेत लगा देते हैं और इसमें उगेंगे बर्गर पिज्जा। अरे जब मैं बता रहा हूँ खेत में सिर्फ दाल चावल उगेगा तो क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मुझे दाल चावल नहीं खाना, नहीं खाना। चलो बेटा अब तो तुम दाल चावल जरूर खाओगे, खिलाओ इसको दाल चावल। ये लो खाओ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो दोस्तों अपने आइलैंड पे आग भी लगा देते हैं। अरे आइलैंड पे आग क्यों लगाएंगे, समझता हूँ आपने ज्यादा आइसक्रीम खा लिया, लेकिन दिमाग तो होगा ना आपके पास। अरे पागल में हिसाब की बात कर रहा था। हाँ अच्छा आपने लगा दिया, रात भी होने वाली है। हमने तो इनका किचन अपग्रेड भी कर दिया, कितने अच्छे इनके पास बर्तन आ गए हैं, तब भी खाना जल्दी नहीं बना रहा। चलो अपग्रेड करते हैं। अरे बाप रे ये क्या बना रहा है, ये तो बहुत बड़ा शेफ लग रहा है। तेरे भैया उसके पास मत जाइए। और दोस्तों हम इस ओशन का पानी तो पी नहीं सकते, बहुत गंदा है, इसलिए हम लोग को एक वेल लगानी होगी। ये कुआं यहाँ पे रख देते हैं, चलो मसाओ पानी निकालो। अरे नहीं मैं इससे पानी नहीं निकालूंगा, एक बार मैं गांव में पानी निकालने गया था और मैं अंदर गिर गया था। अरे तो फिर पानी निकालने का मैं करूंगा, मुझे पानी निकालना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये शेफ तो टैरो भैया को बना रहा है। लगता है आज खाने में टैरो फ्राई मिलेगा। अरे टैरो भैया को बाहर निकालो, उससे निकलो बाहर, ये है हमारे वेपन्स की फैक्ट्री। चलो अंदर चलते हैं और यही है जो हथियार बनाते हैं। और इन्हें इतनी जल्दी एक तलवार बना भी ले। और इनके पास तो गॉड पावर है, ऐसे कर करके तलवार बना देते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ दो ही भेड़ है, रुको और लाता हूँ, अपग्रेड करता हूँ। यहाँ पे तीन हो गई, एक और लाता हूँ, चार हो गई, एक और लाता हूँ, पाँच हो गई। बस 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 मसा, और नहीं और नहीं। लेकिन रुको 1 मिनट, यहाँ पर तो आंटी जी भेड़ को मारने की कोशिश कर रही हैं। इस औरत की कोई जरूरत नहीं है, इसको नीचे फेंक दो। आइलैंड पर पहली रात हो गई है, लेकिन 1 मिनट आगे क्या है, ये सब तो एक साथ ही सो गए हैं। अरे सोने की तमीज नहीं है क्या तुम लोग, एकदम आग के पास छिपक के सो रहे हो, अपने अपने घरों में जाके सोना, चल जाओगे यहाँ पे। ये देखो दोस्तों मैं कितना अच्छा स्टंट कर रहा हूँ। चलो अच्छा, ये आंटी घर में सो रही है। अरे लेकिन रुको यहाँ पे तो सुबह हो गई, सब लोग उठ के जा रहे हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो सिर्फ 1 ही मिनट की रात थी। चलो दोस्तों अब टाइम आ चुका है की हम लोग अपनी बोट को बड़ी से शिप में अपग्रेड करते हैं। अरे ये क्या अपग्रेड हो गया? अरे वो तो मैंने अपग्रेड किया है, चलो अब शिप को अपग्रेड करते हैं। अरे भाई ये तो अच्छी बोट बन गई है। अरे पर शिप तो नहीं बनी ना। अरे कोई बात नहीं, वो आगे वो भी बन जाएगी, इसको देखते हैं, ये तो बहुत तेज चल रही है। अरे वाह इस बोट में तो एक बार में बहुत सारे लोग बैठ पा रहे हैं, कहीं ये बोट डूब ना जाए बाहर के कारण। माय गॉड ये क्या हो रहा है, लगता है शार्क हमें नीचे से मार रही है। अरे दोस्तों मैं बोट से उड़ गया। चलो दोस्तों अपने घर को और अपग्रेड करते हैं, शायद कंप्यूटर आ जाए। हां अपग्रेड हो गया, चलो अंदर चल के देखते हैं। इसमें तो कंप्यूटर नहीं, एक गुड्डा रखा है और यहाँ मसाओ के दूध की बोतल रखी है और यहाँ पे एक क्यूब भी रखा है। लेकिन टैरो भैया क्या हो गया, टैरो भैया वहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मैं यहाँ फंस गया दोस्तों, मुझे बचा लो। अरे उनको छोड़ो ये देखते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे ये लोग छुपे क्यों हैं? और ये क्या, सब लोग यहीं क्यों आ रहे हैं, जो हमने सबको घर दिए तो सब लोग वहाँ जाना, हमारे घर मत आओ। ये अभी तक एक ही तलवार बना पाया, जल्दी से इनको अपग्रेड करो। हो गया चलो देखते हैं अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। थैंक यू अंकल जी इतनी सारी तलवार बनाने के लिए। चलो दोस्तों अपने आइलैंड के एरिया को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। टैरो भैया थोड़ा सोच समझ के लगाना, क्योंकि एक एक जमीन एक एक करोड़ रुपए की है। दोस्तों अब इतनी मेहनत के बाद हम लोगों ने माइंड रेडी कर लिया है और यहाँ पे हम लोग अपने आइलैंड के अंदर से सोना खोदेंगे। चलो चलते हैं। लेकिन हमारे आइलैंड का आदमी हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? तुम अभी हमारे साथ नहीं चल सकते, जाके आइलैंड पे काम करो। शार्क जल्दी से अपने आइलैंड पे जाओ तुम। ओ ये क्या, हमारी बोट तो पलट गई, हम तो पानी में गिर गए, वो भी पानी में गिर गया। हमारी बोट तो उल्टी हो गई। लेकिन मैंने बोट पे बैठने से पहले फेविक्विक लगाया था, मैं नहीं गिरूंगा। हमारे आइलैंड के आदमी को शार्क ने खा लिया। अब अपनी तलवार निकालो तुम लोग और शार्क को मारते हैं हम लोग मिलकर। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुमने हमें बहुत परेशान किया, मार डालूंगा। तुम
लोग यहाँ से जा रहे थे, हम लोग को यहाँ पर एक शिप क्रैश हुआ मिला है। लगता है हमारे प्लेन की तरह ये शिप भी यहाँ पे क्रैश हो गया है। ए लड़की चल काम कर चल। और ये क्या टायरो भैया, तो इससे बंदूक दिखा के काम करा रहे हैं। अरे दोस्तों बार बार काम के बीच में खेलने लग रही है। अरे हमारी छोटी सी बोट के बगल में बड़ी सी शिप कहाँ से आ गई? किसकी आई है? चलो इसे चला के देखते हैं। अपने आप ही चलने लगी। अरे मुझे तो लगता है ये हमारे घर पहुँचा देगी। अरे क्या ये शिप तो गायब हो गई, गायब कैसे हो गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारे आइलैंड पे फिर से बारिश होने लगी और ये सब लोग बारिश से बचने के लिए यहाँ पर छुप गए। हम भी यहीं खड़े हो जाते हैं। अरे बारिश खत्म भी हो गई, सिर्फ एक सेकंड के लिए आई थी क्या बारिश? चलो सब लोग काम करो, चल के यहाँ से हटो। टायरो भैया आप ऊपर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो कैप्टन, क्या हुआ? अरे हमें यहाँ पे कोई बचाने तो आया नहीं है, लेकिन मुझे अपने घर जाने का रास्ता पता चल गया है। ऐसे ही रात होगी, हम लोग बाकी लोग को आइलैंड पे छोड़ के भाग जाएंगे। ओके कैप्टन। अब तो बस रात होने का इंतजार बाकी है, फिर हम अपने इस प्यारे से आइलैंड को छोड़ के भाग जाएंगे। उससे पहले लास्ट टाइम एक बार आइलैंड देख लेते हैं। मेरी बार रामू ने मछली पकड़ ली। अरे ये कौन हमारा आइलैंड छोड़ के भाग रहा है? ए उतरो हमारी बोट से, चलो जाके आइलैंड में काम करो। ये हमारे वर्स्ट एवर। और यहाँ पे बीच में हम लोगों ने लगाया फाउंटेन और इधर साइड है हमारा कुआं। और यहाँ पर दाल चावल वाली खेती हो रही है। और यहाँ पर है बहुत सारी शीप्स। और इस समय इनका ख्याल कोई भी नहीं रख रहा। उधर है हमारी गोल्ड माइन और इससे अभी तक हम लोग को बहुत ज्यादा गोल्ड मिल चुका है। और ये है हमारी वेपन्स बनाने वाली फैक्ट्री। और यहाँ पे है टेबल चेयर जहाँ पे मसाला बैठ के दाल चावल खाता है। और यहाँ पे दाल चावल बनता है और कभी कभी टैरो फ्राई भी बनता है। इनको क्या हो गया? और इधर साइड है हमारे आलिशान घर। ये देखो हम लोगों ने घरों को कितना ज्यादा अपग्रेड कर दिया है और इसके अंदर बहुत जगह भी है। एक इसके घर में झांक रही है तू है? दोस्तों रात हो गई और जैसे सब लोग सो जाएंगे हम लोग यहाँ से अकेले भाग जाएंगे। ये देखो यहाँ पर एक लोग सो चुके हैं और ये तो खाना बनाते बनाते यहीं पे सो गए हैं। चलो सब लोग आइलैंड पे सो चुके हैं, चलो अब यहाँ से चुपके से निकल लेते हैं। धीरे धीरे चलो, कोई शोर मत मचाना वरना वो हमें जाने नहीं देंगे, सब सो गए। चलो चलो बोट पे बैठते हैं। और ये बोट मिल गई। चलो मैं बोट चलाता हूँ, मुझे घर जाने का रास्ता पता है। अरे मुझे तो ले लो अपनी बोट पे, रात में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे मुझे पता है, जो आगे व्हाइट व्हाइट है ना, वहीं से हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे और यहाँ से बच जाएंगे। अरे वाह, हम तो बस पहुँचने ही वाले हैं और ये हम पहुँच गए। अरे क्या हो गया? ये है हमारे नए चैनल की वीडियो। इस वीडियो पे 25K लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।